सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है दीपावली। दीपावली के आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जस्ट अभी मतलब उठ के मैंने मोटा मोटा झाड़ू लगाया जिससे कि मैं पूजा कर सकूँ। नहा लिया है मैंने, मैं पूजा करने के लिए जा रही थी तो सोचा चलो व्लॉग में स्टार्ट कर दूँ। और घर की हालत में अभी आपको दिखाऊँ तो इतनी ज़्यादा बुरी है। कल रात को, मतलब कल हम लोग स्वीट्स देने गए थे तो रात को काफ़ी लेट हो गया था मैं आते हुए, तो जो भी सामान मैं लाई थी मैंने ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी कि आज समेट लूँगी। और अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ जबकि सफाई सब हो चुकी है, पर अभी घर की हालत ऐसी है कि मतलब लग ही नहीं रहा कि मैंने सफाई करी है। चलो इसको सबको मैं अभी समेटूँगी। फिलहाल अभी पहले मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, फिर बाकी सारा काम करूँगी। मंदिर की सफाई मैंने धनतेरस के पहले वाले दिन कर ली थी। अभी सारे भगवान जी को मैंने नहला दिया है और अभी मैं लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहना रही हूँ। पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में पेट पूजा करने के लिए। तो मैंने बनाई है यहाँ पे नमकीन सेवैया, साइड में चाय रख दी है और दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया है। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी हम सोच रहे हैं कि जो रिलेटिव्स हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं उन सबके यहाँ भी पहले स्वीट्स दे दें, तो उसी के लिए अब हम जा रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग स्वीट्स देने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत सामान लेना है घर का तो मैंने सोचा स्वीट्स का काम भी अभी कर लेते हैं ताकि बार बार घर से बाहर नहीं जाना पड़े और आके फिर मैं सारा करूंगी। सबको मिठाई देने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं घर का जो थोड़ा बहुत सामान लेना है। घर के सामान में मुझे पूजा के लिए फूलमाला लेनी है और पूजा के लिए मिठाई लेनी है, थोड़ी सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने हैं। और सोसाइटी से बाहर निकलते ही ये माला वाला मुझे यहाँ मिल गया तो मैंने यहाँ से पहले फूलमाला ले ली। तो जस्ट मैं अभी घर आई हूँ, सारी मिठाइयाँ सबको दे दी, जो भी सामान मुझे लेना था वो ले लिया। आके जस्ट मैंने अभी आयरन की टैबलेट खाई है और अब जो है मैं सारा जो काम करना है, मतलब पूरा घर इतना बिखरा हुआ है, अभी आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है, दिवाली के दिन भी ऐसा बिखरा हुआ है। तो ये सब समेटती हूँ, उसके बाद फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी। अभी पहले आपको घर दिखाती हूँ कितना अच्छा हो रखा है। तो रूम की हालत मेरी कुछ ऐसी हो रखी है और अभी मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, बाहर वाली तो मैंने कर दी थी और बाहर के रूम की हालत भी ऐसी हो रखी है। अभी जो भी सामान मैं अभी लाई थी वो अभी मैंने बेड पे ही रख दिया, पहले इसको रखती हूँ जगह पे, फिर उसके बाद पूरी सफाई करती हूँ। बाहर का रूम क्लीन करने के लिए
तो अब जाके मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ हो गई है। और मुझे लग रहा है मुझे नया फ़ोन अब लेना ही पड़ेगा। लाइटिंग का मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो देखती हूँ कौन सा फ़ोन लूँगी। अभी तो बस मैं अब किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि वही बचा हुआ है। यहाँ पे मेरी साड़ी रखी हुई है, ये मुझे अभी पहननी है, प्रेस के लिए दी थी मैंने, तो अभी आई है। तो बाकी ये वाला काम हो गया है, बस चलते हैं किचन में। तो अभी बज गए शाम के 5 और मैं डिनर बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, पूड़ी, आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा भोग के लिए प्रसाद। तो ये सारी चीज़ें अभी फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि पूजा का मुहूर्त भी आज 5 से 8 बजे तक का है। तो 1 घंटे में मुझे सारा काम करना है, ताकि उसके बाद अच्छे से तैयार हो जाऊँ और फिर हम आराम से पूजा करें। बस अभी थोड़ा सा मंदिर का बचा हुआ है, पूजा के लिए जो सामान है वो रखना है, बाकी सब हो गया है। तो अभी यहाँ पे जो है पनीर का मसाला तैयार हो रहा है, पीछे मैंने आलू चढ़ा दिए हैं। और जब तक मैं सोच रही हूँ ये मसाला हो रहा, तब तक जो ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स हैं उन्हें मैं भर देती हूँ, तो ये वाला काम भी साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा। रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं पूजा के लिए, क्योंकि पूजा का मुहूर्त इस बार बहुत जल्दी का है, 5 से 8 बजे का है। और 7 बज गए हैं, खाना अभी आधा बन गया, आधा बनाना बाकी है। तो सोचा पहले रेडी होके पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, बस आरती करने वाले हैं। अभी पूजा वगैरह हो गई है, दिए वगैरह सब कुछ मैंने जला दिए हैं और खाना अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, आटा वगैरह लगाना है, पूड़ी बनानी है, बाकी तो सब हो गया। और अभी मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही है। मेरी तबीयत वैसे 3-4 दिन से ख़राब ही थी, कोल्ड था मुझे काफ़ी ज़्यादा वाला, तो उस वजह से थी। कल भी पूरा दिन ऐसे ही गया, सुबह गए थे हम लोग फिर रात को ही आए थे, तो पूरा दिन कल भी ऐसे गया, आज भी मॉर्निंग से बस भागम दौड़ी। तो अभी मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा है, मैं सोच रही हूँ 10-15 मिनट थोड़ा सा लेट जाऊँ, उसके बाद फिर मैं किचन का काम करूँ, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। कमर में तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे, मतलब मुझे सिर्फ कमर का दर्द की ही शिकायत है। मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, तो उन्होंने बोला अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता, एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने बताई है वो मैं कर रही हूँ, बट कमर का दर्द मेरा ठीक नहीं हो रहा, धीरे टाइम के साथ साथ ही और बढ़ता जाएगा, उन्होंने बताया ऐसा। अभी फिलहाल मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ, जिससे कि थोड़ा मुझे फ्रेश फील हो, फिर उसके बाद किचन में काम करूँगी मैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में पूरी बनाने के लिए, तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे रायता बन गया है, मैं नहीं खाने वाली हूँ इस रायते को इतना बर्फ़ डाल के, क्योंकि मुझे ऑलरेडी कोल्ड हो रखा है। ये राज ने बनाया है अपने लिए, सैलेड कट गया है और ये सब्जी बन गई है, आलू की सूखी सब्जी भी मैंने बना दी। और यहाँ पे मैं बस गर्मा गर्म पूड़ी निकाल रही हूँ, फटाफट खाना खाती हूँ और अपनी मेडिसिन खाती हूँ, उसके बाद बस अब मैं सोने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।
तो अभी डिनर हमारा हो गया है, किचन में बर्तन वगैरह सब कुछ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे। सोसाइटी में लाइटिंग हो रखी है वो देखने के लिए, लास्ट ईयर से हो रही है और सब बोल रहे हैं इस बार ज़्यादा अच्छी हुई है लास्ट ईयर से, तो मैंने सोचा चलो एक बार देख के आ जाते हैं फिर उसके बाद सोऊंगी। तो चलो पहले देखते हैं इस बार कैसी लाइटिंग हुई है सोसाइटी में। लाइटिंग काफी अच्छी हुई है, लास्ट ईयर से भी ज्यादा अच्छी इस बार मुझे लगी है। गाइस अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और आज के इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।